Good morning, everyone. Hope you are preparing well for your examination and your SSB interview. Welcome to SSB interview selection. In this video, I will tell you about importance of Chahar Bar port and the first trilateral meeting. जो त्रिपक्षीय जो मीटिंग हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके क्या सिग्निफिकेंस थे, क्या उन्होंने डिसीजन लिए हैं और आज चार बार पोर्ट की इंडिया के प्रोस्पेक्टिव एंड ईरान के प्रोस्पेक्टिव और अफगानिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर डेली अपडेट, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हेल्प देम एंड इट आल्सो मोटिवेट्स मी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, रिसेंटली इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने जो फर्स्ट ट्राइलेटरल जो मीटिंग है चार बार पोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर में हुई थी, जिस मीटिंग में अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया तीनों ने कोऑर्डिनेट जो काउंसिल ऑफ द चार बार एग्रीमेंट है उसने प्लेस लिया, जो कि हेल्ड हुई थी कहाँ पे, तेहरान जो है इंडिया ईरान के अंदर में। इसके जो इंडियन डेलीगेशन था वो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन TS त्रिमूर्ति जी थे और उन्होंने डिटेल डिस्कस किया है जो कि थ्री साइड ऑफ ऑपरेशनलाइज करने के लिए एग्रीमेंट किया, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू दी चार बार पोर्ट के ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर हमारे रिसेंटली साइन हुए हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग उन्होंने जो डिसाइड किया, फॉलो अप द कमेटी दी हैड द फर्स्ट मीटिंग विद इन 2 मंथ, जो उसके बाद में 2 महीने का नेक्स्ट मीटिंग होगी और जो अगली मीटिंग होने वाली है वो इंडिया के फर्स्ट एंड हाफ जो नेक्स्ट ईयर्स में डेफिनेटली होने वाली है, जिसके ऊपर में हम इम्प्लीकेशन और फाइनलाइज करेंगे कि हम कितना ट्रांजिट और क्या हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सेंट्रल एशिया में अपने पहुंच बढ़ाने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चार बार पोर्ट का है। देखो, चार बार पोर्ट जो इंडिया से यहाँ पे ये चार बार पोर्ट है जो कि 72 किलोमीटर दूर है गवदार से, जहाँ सीपैक अपना चाइना और इसके ऊपर डेवलप कर रहा है। अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, ये जो एरिया है पूरा गल्फ ऑफ ओमान जो एरिया पड़ता है इसके ऊपर जो हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा और जो पोर्ट गिव एक्सेस एनर्जी तो ये पैरिसन गल्फ नेशन, जो हमारे पैरिसन गल्फ नेशन जितने भी हैं इनके ऊपर हमारी एक्सेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाएगा, जो कि कनेक्ट करता है हमारे सदर्न पार्ट, जो ये सदर्न पार्ट है हमारे जो साउथ ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट जो एरिया है इसको कनेक्ट करता है और पाकिस्तान को बाईपास करता है टू कनेक्ट विद फंक्शनलाइज विद सेंट्रल एशिया कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चाइना है आज की डेट में ये जो सीपैक के थ्रू हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन को कवर करना चाह रहा है, क्योंकि इसको एक्सेस लेना यहाँ पे, और इसका सिग्निफिकेंट एक और ये भी है क्योंकि जो चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है इन कंपैरिजन बिटवीन द ईस्टर्न पार्ट बहुत ही कम डेवलप है, तो इसको डेवलप करने के लिए और इंडियन ओशन को एक्सेस प्राप्त करने के लिए वो सीपैक के थ्रू एक्सेस करा, इसको काउंटर करने के लिए भी हम चार बार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसे हम डायरेक्टली अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान जो जितने भी कंट्री हैं इनके थ्रू जो कॉरिडोर बना हुआ है इंटरनेशनल कॉरिडोर उसको भी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी मैंने इसको बताया चार बार पोर्ट कहाँ पे। अब बात करते हैं कि चार बार पोर्ट बहुत ही क्रुशियल या इंपॉर्टेंस क्यों है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि देखो जो न्यू स्ट्रेटेजिक जो ट्रांजिट रूट खोलता है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, जो कि बाईपास करता है पाकिस्तान को, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंट जो महत्व है इंडिया का, जो क्या जो मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान को ट्रांजिट गुड्स जो हैं उसको बाईपास करता है अफगानिस्तान के, तो चार बार पोर्ट विल आल्सो बूस्ट एक्सेस इन टू ईरान, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो ईरान जो कि की गेटवे है हमारा किसका, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि यूरोप कंट्री को भी और साउथ में अफ्रीका के थ्रू भी और सेंट्रल एशिया को भी कवर करता है, इससे हम कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा सी रेल और रोड्स जो रूट्स हैं वो इंडिया के बिटवीन में कनेक्टिविटी इसकी अच्छी हो जाएगी, जो कि रशिया, ईरान और यूरोप और सेंट्रल एशिया को कवर करेगा, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, जो कि हमारे इससे फ़ायदा क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि 1/3 होने की काफ़ी उम्मीद है। इसके बाद काउंटरिंग द चाइनीज प्रेजेंस इन अरेबियन सी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसको काउंटर करने के लिए जो कि गवदार पोर्ट के अंदर में अपना 72 किलोमीटर जो डिस्टेंस है अपना ईस्ट साइड में वो वहाँ से पाकिस्तान में बिल्ट कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे मिल्ट्री जो है ना अलाई जो इंडिया हमारा जो ईरान के साथ में मिलिट्री अलाई बहुत ही अच्छा बनेगा, इससे जो चाइना का जो फ्लेक्सिबिलिटी है नेवी की मसल्स जो वहाँ पे जो गवदार पोर्ट के अंदर में अपनी जो शिप उसने इस्टेब्लिश की है वहाँ पे, तो उसके ऊपर हमने काउंटर करने के लिए हमारे इंडियन ओशन और पैरिसन गल्फ और मिडल ईस्ट जो हमारा एरिया है उसको काफ़ी हम इसके ऊपर कवर कर पाएंगे। चार बार पोर्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा जो इम्पोर्ट है ठीक है आयरन ओर है, शुगर्स है, राइस है, तो जो इंडिया में जो ईरान से आते हैं या अपना उस कंट्री से आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो कोर्स है ऑयल की है वो भी डेफिनेटली इससे
हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगी। चार बार पोर्ट जो इस्टेब्लिश किया, जो पॉलिटिकली जो कनेक्टिविटी है बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जो पाकिस्तान के थ्रू ना जाके हम दूसरे वे से जा रहे हैं, जिससे कनेक्टिविटी हमारे अफगानिस्तान के साथ में अच्छी बनेगी, क्योंकि हमारे वहाँ पे एयरफोर्स के लिए भी हमारे वहाँ पे भी पॉइंट है, हमने वहाँ पे भी डेवलप किया है, हमने हाईवे भी वहाँ पे डेवलप किया है, जिसको गार्लैंड हाईवे अपना रोड डेवलप किया है, जारंग देराम रोड, उसको भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, वहाँ के काफ़ी जो सिटीज़ हैं उनको भी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ा सिग्निफिकेंट, यदि हम डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये एक पॉइंट है वेयर द ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कुड बी कोऑर्डिनेटेड। अफगानिस्तान के अंदर में जो स्पेशली जो अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के एरिया में जो कवर हो रहा है, उसको हम ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए या उनकी काफ़ी हेल्प ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको हेल्प करने के लिए या नेचुरल कैलामिटीज़ के दौरान हेल्प करने के लिए हमारे काफ़ी उसमें हेल्प कर सकते हैं। इंडिया ने एक जारंग दिलाराम रोड जो कंस्ट्रक्ट किया था 2009 में, तो वो बहुत एक्सेस देगा अफगानिस्तान के गार्लैंड हाईवे को कनेक्ट करने के लिए, जिससे हमारी एक्सेसिबिलिटी फोर मेजर जो सिटी है अफगानिस्तान की, हेरात है, कालादार, काबुल है, मजार शरीफ, तो इसको भी कनेक्ट करने में हमारे काफ़ी फायदा हो। तो हम ये देखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम ये बता सकते हैं कि ये जो चार बार पोर्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसकी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव, नॉट ओनली द इंडिया बट ईरान के प्रोस्पेक्टिव और अफगानिस्तान के प्रोस्पेक्टिव के वजह से भी बहुत ही इसका बड़ा महत्व है। इन द लास्ट, यदि अब अभी भी आपको यदि कुछ स्टडी मेटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, 151 ऐसे, इट्स कवर ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटीज़, और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है, और ये 2008 लेटेस्ट एडिशन है, और इसका डिस्काउंट आपको 27% अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हैं। यदि स्टिल आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कभी भी वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने जो व्यूज़ हैं इन पर्टिकुलर चार बार पोर्ट के, उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर आपने डेफिनेटली लिखी, ताकि आपकी काफ़ी आपको भी इसके बारे में ज्ञान हो और दूसरों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक ऑन बेल आइकन, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हेल्प देम एंड इट आल्सो मोटिवेट्स मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।